हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी स्वीट एंड कूल वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी से होती है मतलब की शुरुआत। तो इधर पे हूँ मैं किचन में और हो रही है मेरी कुकिंग। तो इधर पे पनीर, इधर पे कैप्सिकम की सब्ज़ी, इधर पे दाल और उधर पे फिश रखी हुई है। और किचन की हालत कुछ ऐसी है, तो नेक्स्ट वीक से मेरे किचन का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। और किचन पूरा ऐसे अभी गंदा बिखरा पड़ा है, देख रहे हैं कि ये पूरा टूटा हुआ है कैसे, और पूरा ऐसे है अभी। तो नेक्स्ट 1-2 मंथ में मेरे किचन का सेटअप जो है चेंज होगा। तो बने रहना है और देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए एक बार दिखाती हूँ अभी की मेरी कुकिंग। तो इधर पे है पनीर, इधर पे भी दाल बन चुका है, इधर पे सब सारी सब्जियाँ ला के रखी हुई हूँ। और ये पूरा जो है टूटा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और ये भी 1 इंच लगभग स्टोन से ऊपर है। तो इधर पे फिश ये बनाऊंगी अभी। और सुबह सुबह मेरा किचन जो कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा रहता है, तो कुछ तरह से इस तरह से बिखरा पड़ा रहता है। और इधर पे है मेरे बर्ड्स, तो घर की सफाई हो रही है इसलिए बर्ड्स को अभी ऐसे डाइनिंग टेबल पर उठा कर रखते हैं। फिर जब पूरा क्लीन हो जाता है तब हम लोग फिर बर्ड्स को अलग रखते हैं। और मेरी मम्मी जो है कुछ सोच रही है, जाओ मिला लो। ग्यारह बजे के बाद रिजल्ट आएगा। तो इधर पर पोछा लग रहा है, तो चलिए मैं जाती हूँ मेरे किचन में काम करती हूँ और फ्री होके आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। तब तक जुड़ी मतलब मम्मी भी मेरे ज़रा हाय बोलेगी, तो हाय बोलो मॉम। मम्मा हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मम्मी सबको गुड मॉर्निंग बोल चुकी है और चलिए मैं फिर जल रहा है उधर पे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इधर पे मेरी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी जो है एकदम हल्के मसाले वाली बन के तैयार है। और इधर पे मैंने बहुत मसाले से सब्जी होने लगी, तो इधर पे मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बनाया है। तो रात को हम लोग आलू चॉप बनाएंगे, बंगाली फूड आइटम है। तो आप लोग क्या बोलते हो, भजिया जैसा होता है ना प्याज का, वैसा ये आलू का ग्रेवी भर के बेसन में, वो एक पकौड़ा टाइप का होता है, वो बनाना है। तो इधर पे आलू छील के रख ली हूँ, इधर पे दाल रेडी है, फिश बनानी है, मेरी कढ़ाई जो है वो चढ़ी हुई है और बस हो रही है मेरी कुकिंग। और इधर पे है, इधर पे मेरे छोले हैं, गर्मा गर्म छोले ब्रेकफास्ट में, इसके साथ पराठे हैं। तो पता नहीं कैमरे में किस साइड देखना है, यम्मी वाली सब्जी तैयार है, पूरा किचन क्लीन करना है, बस मेरा फिश बन जाए। क्योंकि फिश मैं एंड में बनाऊंगी, नॉन वेज है, और इसको बना के मैं साइड में रख के फिर पूरा किचन जो है मैं धोती हूँ और गैस को भी पूरा धोकर क्लीन करके रखती हूँ। क्योंकि बस जो पापा है वो खाते हैं, बाकी सब वेजिटेरियन है, तो इसलिए मुझे किचन को धोना पड़ता है। तो नॉन वेज और वेज के चक्कर में ये दिक्कत हो जाती है कि थोड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, एडजस्ट करना इसमें, क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे कि अभी 4 लोग वेज है, 1 नॉन वेज है, तो उनके लिए भी उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो खाते हैं। और खाने में लोग को किसी भी चीज़ पर मना नहीं करना चाहिए, तो बनाना तो कैजुअल सी बात है क्योंकि जब खाते हैं तब। पर इसलिए हम लोग वेज वाला बना के अलग रखते हैं और जब नॉन वेज एंड में बना के उसको कहीं और अलग रखते हैं और पूरे किचन को फिर धोते हैं, क्लीन करते हैं, शुद्ध होता है। तो ये है माचिया झोल, और मतलब कि एकदम पतला सा एक क्या बोलते हैं, सूप टाइप का है माचिया झोल, रश वो है साथ पे। इधर पे अंडे, फिश के अंडे, और इधर पे है फिश फ्राई। तो ये है आज का लंच मेरे पेरेंट्स का। तो नॉनवेज जो होता है मैं इधर पे ऐसे बना के रख देती हूँ, और जो मेरा वेज खाना है वो मैं उधर पे रखती हूँ। तो अभी बस इधर पे पोंछा लगाऊंगी, धोऊंगी और क्लीन करूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गुड इवनिंग, अब शाम हो चुकी है और शाम का जो आप लोग बोलते हो ना कि पूर्णिमा जब की कुकिंग होगी कि नहीं, खाना बन गया है नहीं, डिनर कब करोगे, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, इधर पे घड़ी है शाम के 6 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ रोटी, इधर पे बन रहे हैं मेरे समोसे, और रोटी तो बनी रही है मेरी, और इसी के साथ ही
मैं काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एलवी करती हूँ, और जो मेरी एलवी होती है वो होती है 7:30 बजे के बाद। तो मैं यही सब कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ तब करती हूँ, 1-2 घंटा बैठती हूँ, और उसके बाद फिर 11 बजे के बाद हम लोग डिनर करते हैं। तो ये होता है रूटीन। तो फिलहाल मेरे समोसे चल रहे हैं। तो इधर पे है मेरी रोटी, इधर पे मैं रोटी बना रही हूँ, इधर पे रोटियाँ बन रही है, इधर पे मेरे समोसे जो हैं वो तले जा रहे हैं। तो 6 समोसे बन के तैयार है। तो इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप फ्राई किया है क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा, कुरकुरा लगेगा, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से फ्राई करा है। और इधर पे कुछ आलू की स्टफिंग बचा के रखी थी, तो मैं बनाऊँगी आलू चॉप। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन उसको घोल लिया है, और आलू को चपटा करके इसको फिर इस पर डाल के और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी, तो आलू चॉप हो जाएगा। बंगाली स्टाइल का एक ट्रेडिशनल फूड है ये। और कुछ समोसे यहाँ बन रहे हैं, कुछ यहाँ बन चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे समोसे और चॉप जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो समोसे मेरे बिल्कुल रेडी है, और इधर पे मेरे चॉप भी रेडी है। तो चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाती है, फिर मुझे एलवी करना है। आज उनसे बातें नहीं करती तो लगता है कि दिन ही नहीं गया। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को देखें और बेल आइकन दबाएं। अभी भी मतलब कि रात ही हुई है, तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है बाहर का, आप देख सकते हो। और आज का जो आसमान है बहुत ही खूबसूरत ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। तो चलिए बाय बाय।